वेलकम स्टूडेंट्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अभी तक हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शन देख चुके हैं। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम FMO अप्रोच, कोरिलेशन डायग्राम एंड PMO मेथड भी देख चुके हैं, जबकि साइक्लोएडिशन में हम FMO मेथड एंड कोरिलेशन डायग्राम देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम PMO अप्रोच भी देखेंगे, लेकिन आज हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए FMO मेथड देखेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन अक्रॉस द कॉन्जुगेट पाई सिस्टम होता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड सेम होते हैं। बेसिकली अ सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू अ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम इज ब्रोकन एंड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द पाई सिस्टम। द रिएक्शन इज टर्म IJ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट व्हेन द बॉन्ड माइग्रेट्स फ्रॉम पोजिशन 1-1 टू पोजिशन IJ। IJ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में शिफ्ट होने वाले सिग्मा बॉन्ड को हम 1-1 पोजिशन से डिनोट करते हैं, जबकि IJ नए फॉर्मेट होने वाले सिग्मा बॉन्ड की पोजिशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, कौन से सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा वो पहले हमें तय करना पड़ेगा। सिस्टम में सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, इसलिए सबसे पहले हमें पाई सिस्टम में सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड तय करना पड़ेगा। और सिग्मा बॉन्ड तय करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे और उसके ज़रिए हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कौन से टाइप की है वो तय कर सकेंगे। यहाँ सिस्टम में एक पाई बॉन्ड है, यानी कि एक प्रोपीन है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, यानी कि हम देखेंगे तो CC सिग्मा बॉन्ड है और एक CH सिग्मा बॉन्ड है। CC सिग्मा बॉन्ड में एक कार्बन sp2 है, जबकि दूसरा कार्बन sp3 है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड नहीं है, मतलब कि उसका माइग्रेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ ये कार्बन sp3 है और ये हाइड्रोजन है, मतलब कि ये सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड है, उसका माइग्रेशन होगा। जिस सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है हम उसको 1-1 से डिनोटेड करेंगे, तो हाइड्रोजन को 1 और ये कार्बन को भी हम 1 नंबर देंगे। बाद में सिस्टम में यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर होगा। सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन पाई सिस्टम से के अक्रॉस 1 एंड से दूसरे एंड पे जाता है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन 1 से होके 3 पोजीशन पे जाएगा, और उसमें ऐसी हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जिसमें ये सिग्मा बॉन्ड पार्शियली
ब्रेक बताया है, जबकि ये पार्शियली फॉर्मेट बताया है, उसका फॉर्मेशन बताया है, और बीच में डॉटेड लाइन बताई है, दिखाती है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, और ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3 पोजीशन पे जाता है, यानी कि नई पोजीशन होगी 1, 3, मतलब कि ये रिएक्शन कहलाएगी 1, 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिलती है तब सभी सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड का में और पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होता है। यह सिग्मा बॉन्ड था वह पाई बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड था वह सिग्मा बॉन्ड आएगा, और ये नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यह सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन एट द एंड ऑफ पाई सिस्टीन, एक एंड पे सिग्मा बॉन्ड का ब्रोकन होता है और पाई सिस्टीन के दूसरे एंड पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है जिसमें ये सिस्टम में 1 एंड 2 टोटल 2 कंजुगेट पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड सैचुरेट नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, यहाँ हमें 1 नंबर देंगे उसको, सॉरी ये भूल हुई है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड जिसका माइग्रेशन होने वाला है वो 1, 1 से डिनोटेड करेंगे, बाद में हम कॉन्जिगेट पाई सिस्टम को डिनोटेड करेंगे तो ये नंबर होगा 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पाई सिग्मा बॉन्ड का ब्रोकन होगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, और सिग्मा बॉन्ड टूट के अक्रॉस द पाई कॉन्जिगेट सिस्टम के दूसरे एंड पे जाएगा, यानी कि 1 पोजीशन से पाई पोजीशन पे जाएगा, जबकि हाइड्रोजन का नंबर तो 1 ही है, यानी कि 1 से शिफ्ट होके 5 पे जाएगा, यानी कि नई पोजीशन होगी 1, 5, यानी कि ये 1, 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, 1, 1 से 1, 5 पे जाता है, यानी कि नई पोजीशन 1, 5 है। 2 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन ऑफ कार्बन, यहाँ सिस्टम में 1, 2, 3, 4 एंड 5 1, 5 डाइन है, 2 पाई बॉन्ड है, और ये एक सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड है, दोनों कार्बन sp3 है, उसका माइग्रेशन होगा, यानी कि माइग्रेशन वाले सिग्मा बॉन्ड को हम 1, 1 से डिनोटेड करेंगे, और ये सिस्टम को 2, 3 नंबरिंग देंगे, यहाँ भी हम 2 और 3 नंबरिंग देंगे, और सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट होके पाई सिस्टम के दूसरे एंड पे जाता है, यानी कि टर्मिनल एंड पे जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। रिएक्टेंट में जहाँ सिग्मा बॉन्ड थे वहाँ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से वहाँ सिग्मा बॉन्ड आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, बाकी जो सिग्मा बॉन्ड थे वहाँ पाई बॉन्ड आएगा, और पाई बॉन्ड थे वहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यानी कि टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड सेम रहेगी। यहाँ 1, 1 से शिफ्ट हो के सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन 3, 3 पोजिशन पर जाता है, यानी कि ये 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन द मिडल ऑफ द पाई सिस्टम, यानी कि पाई सिस्टम के बीच वाला सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उसका माइग्रेशन पाई सिस्टम के एंड पे होता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन अलॉन्ग विथ एटम और ग्रुप होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एटम और ग्रुप का भी माइग्रेशन होता है। इसमें 2 टाइप के मोशन होंगे, यानी कि सुप्राफेशियल एंड एंट्राफेशियल मोशन। जब पाई सिस्टम में
एक एंड पे सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उसका माइग्रेशन पाई सिस्टम के दूसरे एंड पे होता है और दूसरे एंड पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पाई सिस्टम में ऑन द सेम साइड यानी कि टॉप टू टॉप होता है या तो बॉटम टू बॉटम होता है। तो ऐसे मोशन को हम सुपराफिशियल मोशन कहेंगे। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑपोजिट साइड में होता है, मतलब कि बॉन्ड टॉप साइड में ब्रेक होता है और उसका मेकिंग बॉटम साइड पे होता है, यानी कि माइग्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, तो ऐसे मोशन को हम इंट्राफेशियल मोशन कहेंगे। या तो बॉटम टू टॉप मोशन होता है तो उसको भी हम इंट्राफेशियल मोशन कहेंगे। यानी कि दो टाइप के मोशन पॉसिबल हैं। एनालिसिस ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एफएमओ मेथड। एफएमओ मेथड के लिए फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द ऑर्बिटल्स हमें माइग्रेशन होने वाले सिग्मा बॉन्ड मिस होमोलिटिक क्लेवेज होता है और दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। और होमोलिटिक क्लेवेज से प्रोड्यूस होने वाले दो फ्री रेडिकल की एचएमओ के बीच ट्रांजिशन स्टेट में इंट्रैक्शन होता है और वो सुपराफिशियल या इंट्राफिशियल मोशन में होता है। वो हम 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक एंड 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल लेके देखेंगे। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एटम एंड एलाइल रेडिकल बाय होमोलिटिक क्लीवेज। इन द ट्रांजिशन स्टेट देयर इज ओवरलैप बिटवीन द एचओएमओ ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एलाइल रेडिकल। यह रिएक्टेंट में एक पाई बॉन्ड है यानी कि प्रोपीन है और सैचुरेट CH बॉन्ड का माइग्रेशन होगा जिसको हम 1,1 से डिनोटेड करेंगे और कार्बन सिस्टम को 1,2,3 से डिनोटेड करेंगे। माइग्रेट होने वाले सिग्मा बॉन्ड का होमोलिटिक क्लोवेज होता है तो उससे दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और दूसरा एलाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है जबकि एलाइल फ्री रेडिकल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और एलाइल फ्री रेडिकल 3 कार्बन वाली सिस्टम है जिसमें 3 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी जिसमें साई 1 बॉन्डिंग, साई 2 नॉन बॉन्डिंग एंड साई 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। 3 इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करेंगे तो साई 1 में 2 और साई 2 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि एलाइल फ्री रेडिकल के लिए ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साई 1,2 साई 2,1 होगी, यानी कि साई 2 ग्राउंड स्टेट की HOMO होगी जिसमें C2 सिमेट्रिकल है। फोटोकेमिकल में साई 2 वाला इलेक्ट्रॉन साई 3 में जाएगा यानी कि साई 3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की HOMO होगी। थर्मल रिएक्शन के लिए हम ग्राउंड स्टेट की HOMO लेके देखेंगे कि माइग्रेशन हाइड्रोजन का माइग्रेशन सुपराफिशियल या इंट्राफेशियल मोशन में होता है। साई 2 में दो टर्मिनल
ऑर्बिटल में एक प्लस और दूसरा माइनस है। 1s यानी कि उसको हम प्लस माने तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्डिंग है, और माइग्रेट होके दूसरे छेद पे यानी कि टर्मिनल C3 पे जाएगा तो ये माइनस फेज वाला लोब है, यानी कि यहाँ एंटी बेंडिंग इंट्रैक्शन होगा, यानी कि 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में थर्मल कंडीशन में सुपराफिशियल मोशन सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, जबकि एंट्राफिशियल में यहाँ से प्लस प्लस यानी कि यहाँ से बॉन्डिंग है और माइग्रेट होके बॉटम से टॉप पे जाएगा, यानी कि ऑपोजिट फेज जाएगा, मतलब कि एंट्राफेशियल मोशन में दोनों बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, यानी कि माइग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में एंट्राफेशियल माइग्रेशन सिमेट्रिकली अलाउड है बट ज्योमेट्रिकली फॉरबिडन है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की साइज कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि ओवरलैपिंग इजीली हो नहीं सकता, मतलब कि थर्मल प्रोसेस ऑफ 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन एंट्राफेशियल मैनर इज सिमेट्रिकली अलाउड। जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की HOMO यानी कि Psi-3 लेंगे, और Psi-3 में मिरर इमेज सिमेट्रिकल है, यानी कि दो टर्मिनल लोब सेम फेज वाले हैं, यानी कि यहाँ 1-3 पोजीशन पे माइग्रेशन होगा तो दोनों बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होंगे, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन में 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए सुपराफिशियल मैनर सिमेट्रिकली अलाउड है। 2-1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड पेंटाडाइनल रेडिकल बाय होमोलिटिक क्लेवेज। इन द ट्रांजिशन स्टेट देर इज ओवरलैप बिटवीन द HOMO ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड HOMO ऑफ पेंटाडाइनल रेडिकल। यहाँ रिएक्टेंट में माइग्रेट होने वाले टर्मिनल सिग्मा बॉन्ड को हम 1-1 से डिनोटेड करेंगे और कंजुगेट पाई सिस्टम को हम डिनोटेड करेंगे तो 2, 3, 4 एंड 5 नंबरिंग होगा। सिग्मा बॉन्ड का होमोलिटिक क्लोवेज होता है तो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और दूसरा पेंटाडाइनाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है और उसका इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, जबकि पेंटाडाइनाइल 5 कार्बन वाली कॉन्जुगेट सिस्टम है और उसकी 5 मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी, जिसमें Psi-1 Psi-2 बॉन्डिंग, Psi-4 Psi-5 एंटी बॉन्डिंग एंड Psi-3 नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी। पेंटाडाइनाइल फ्री रेडिकल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक फ्री रेडिकल वाला, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करेंगे तो ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी Psi-1-2, Psi-2-2 एंड Psi-3-1, यानी कि ग्राउंड स्टेट की HOMO Psi-3 होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में Psi-3 में से इलेक्ट्रॉन Psi-4 में जाएगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की HOMO Psi-4 होगी। ग्राउंड स्टेट के लिए थर्मल कंडीशन के लिए ग्राउंड स्टेट की HOMO Psi-3 एंड फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की HOMO Psi-4 लेंगे। थर्मल में हम देखेंगे तो दोनों टर्मिनल पी ऑर्बिटल का फेज सेम है, प्लस प्लस है, यानी कि यहाँ 1-5 कार्बन पे सुपराफिशियल मोशन अलाउड है, बॉटम टू बॉटम
या टॉप टू टॉप माइग्रेशन हो सकता है, और दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ 1.5 सिग्मा ट्रॉपी शिफ्ट इज सुपरफिशियल मैनर इज सिमेट्रिकली अलाउड। फोटोकेमिकल के लिए हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की HMO साइफोल लगे तो उसमें C2 सिमेट्रिकल है और उसमें सुपरफिशियल यानी कि यहाँ से प्लस से माइनस दोनों अपोजिट फेजे यानी कि सुपरफिशियल मोशन सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, जबकि इंट्राफिशियल मोशन सिमेट्रिकली अलाउड है बट ज्योमेट्रिकली फॉरबिडन है। दस द फोटोकेमिकल प्रोसेस ऑफ 1.5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन इंट्राफिशियल मैनर इज सिमेट्रिकली अलाउड। 1.3 एंड 1.5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के आधार पर हम सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन के लिए FMO मेथड के लिए हम सिलेक्शन रूल बता सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो I परमानेंट 1 ही रहेगा, यानी कि I प्लस J यानी कि 1 + J इज इक्वल टू 4N इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1.3 1 + 3 यानी कि 4 यानी कि 4N इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी रिएक्शन में एंट्राफिशियल मोशन थर्मली अलाउड है जबकि फोटोकेमिकली फॉरबिडन होगा, जबकि सुपराफिशियल मोशन फोटोकेमिकली अलाउड है और थर्मली फॉरबिडन होगा, जबकि सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 + J इज इक्वल टू 4N + 2 होगा, यानी कि 1.5 तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 यानी कि 4N + 2 है, तो ऐसी सिस्टम में सुपरा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में सुपराफिशियल मोशन थर्मली अलाउड है जबकि फोटोकेमिकली फॉरबिडन होगा, जबकि एंट्राफिशियल मोशन फोटोकेमिकली अलाउड है एंड थर्मली फॉरबिडन होगा, वेयर एन इज एन इंटीजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।